सोने चांदी की ड्यूटी इंडस्ट्री की उम्मीद से ज्यादा घटाई गई। दरअसल सरकार चाहती है कि त्योहारों शादियों के मद्देनजर लोगों को कम दाम पर सोना मिले, साथ ही देश में गैरकानूनी तरीके से आ रहे सोने पर भी रोक लगाई जा सके। आइए आपको सुनवाते हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। इश्यू अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर रेट्स नीडिंग टू कम डाउन, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब्सिक्वेंट बजट्स वन आफ्टर द अदर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लैटिनम इम्पोर्ट ड्यूटी रेट्स टू एन एक्सटेंट वेयर इट बिकेम ऑलमोस्ट इरेशनल। इन अ वे द इंसेंटिव नॉट टू पे दैट ड्यूटी, एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट, became very high. Probably just flying down to Dubai and coming back, it worked very well if you even took a piece of jewelry and brought it to India. And this was certainly hurting the interests of Indian industry, hurting job creation, hurting the very vibrant sector which we had developed over the years. I won't say just developed, we had nursed over the years. This is a sector which has grown from thousands of years through the sheer hard work and very, very high level of intricate craftsmanship that we have seen. We have seen coming out from Indian artisans. And therefore, it was felt that it's best that we bring it to a very, very reasonable level and make it affordable for the Indian consumers. शादी ब्याह का मौसम आ रहा है, अभी वापस त्योहारों का दिन आ रहे हैं, शादी ब्याह के दिन आ रहे हैं, तो मंगलसूत्र भी सस्ता हो हमारे बहनों के लिए और आपके ट्रेड को, आपके इंडस्ट्री को भी एक गति मिले, तेज उत्साह से हम आगे बढ़ सकें। तो छोटा मोटा टिंकरिंग करते 15 से 14, 12, 10, तो डेल्टा वुड हैव स्टिल रिमेंड वेरी हाई, विच वुड हैव नॉट पुट एन एंड टू एनी रॉन्ग प्रैक्टिसेस। सो द आइडिया वॉज मेक इट अफोर्डेबल, एंश्योर दैट इट्स नो मोर वायबल टू लुक एट एनी ऑल्टरनेट मीन्स टू ब्रिंग गोल्ड, एवरीथिंग कम्स थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, एंश्योर दैट द इंडस्ट्री गेट्स अ लेग अप, पर्टिकुलरली व्हेन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड इज डाउन। I think the Indian domestic market has really outshone and is growing rapidly. और अब आपको ये सुनवाते हैं कि सोने चांदी पर GST के मुद्दे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हमसे क्या कहा। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है वो, अनिल कपूर का? बी पॉजिटिव है ना, कौन सा है? वेलकम, बी पॉजिटिव यार। आप लोग, ये सेक्टर जिंदगी भर रोता रहा है, कभी तो खुशियां भी मनाओ यार। जब उनको खुशियां मिल रही है उनको लग रहा है ऐसा नहीं हो, इसके पीछे कुछ और आ रहा हो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है सोचने लायक। दिस इज नॉट एन आइडिया। मैं अभी तक तो सोचा नहीं था, पर अभी मैं जाके विचार करूंगा निर्मला जी के साथ। ऑफ कोर्स क्लियरली पीयूष गोयल मेरी लेग पुल करते हुए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि FTA उन देशों के साथ करना था जो करना चाहिए और अब किया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे या फिर भारत की तरह विकासशील होते थे, लेकिन अब ये विकसित देशों के साथ किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देश की इंडस्ट्री का कारोबार विदेशों में और बढ़े, सुविधाएं मिले। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैनी डिस्कशंस आर हैपनिंग विद डिफरेंट कंट्रीज, विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज। देयर इज नेवर अ डेडलाइन टू दीज FTAs। FTAs इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन ओनली बी कंक्लूडेड वंस वी हैव अ फेयर एंड इक्विटेबल एंड अ बैलेंस्ड ट्रेडिंग अरेंजमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। India today negotiates from a position of strength. Gone are the days where we were desperate for FTAs. Gone are the days where we made FTAs only with the less developed countries or countries who are in the same development cycle as India. Today we are making
FTAs also with developed countries. Today we are looking at expanding your opportunities in countries where they have high per capita incomes, high GDP values, and can actually spend money for Indian goods and services. ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स काफ़ी लंबी चौड़ी वो बात हुई, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे जो यहाँ पर निकल के आए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी जी हैं। कोठारी जी, जैसे वित्त मंत्री ने हमें बताया कि वो 15 का 14 करते, फिर 9 करते, 10 करते, 11 करते, इसीलिए एक साथ में यहाँ पर 9% ड्यूटी कट कर दी गई, ताकि जो ड्यूटी डिस्टॉर्शन था और जो अनऑफिशियल गोल्ड आ रहा था और ऑफकोर्स फेस्टिवल बाइंग, इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया। आप कैसे देखते हैं ये स्टेप? आपको लगता है कि जो सरकार ने किया उसका इम्पैक्ट हम अपने बाजारों में अब आता हुआ देखा है? देखिए, जो पीयूष गोयल जी ने जो कहा है वो एकदम बात सही है कि बहुत ही इफेक्ट आ रहा था इंडस्ट्री को, क्योंकि 18% कस्टम्स ड्यूटी इज अ बिग डिफरेंस। अगर आप 1 किलो गोल्ड पे रुपी टर्म्स में देखोगे तो 9,80,000 रुपए का फर्क पड़ता था, इट अ बिग डिफरेंस। और जो उन्होंने बात भी कही है कि सही है कि इतने टूरिस्ट लोग जाते थे, सोना पहन के आते थे, तो उस पर उनको फ्री में घूमना हो जाता था। और आपने देखा होगा तो परसेंटेज वाइज जितने लेबर्स है ये है, उस हिसाब से काफ़ी इस इंडस्ट्री को अपना इफेक्ट हो रहा था। तो इन्होंने बहुत ही सही डिसीजन लिया 6% कस्टम ड्यूटी करके। तो मुझे लगता है कि जितनी रेवन्यू इनकी अपना ड्यूटी की रेवन्यू जितनी उनकी कम हुई है, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें GST का रिटर्न आएगा। जो इतने सेल आप देख रहे हो, अब आप IIGS के जो सेल्स आप देखोगे फिगर 2015 के बाद में 2024 का जो सेल हुआ है वो उससे कहीं बेहतर हुआ है। यानी 10 साल लगे, इतना सेल जबरदस्त है गोल्ड का कि लोग अब आप बिल लो कि नहीं लो, हम GST पेड ही बिल बनाएंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग बिल बनते थे, काफी इश्यूज आते थे, लेबर बिल के इश्यू आते थे, एक्सचेंज के इश्यू आते थे एज ए GST पॉइंट ऑफ से। अब वो जब जाके सब जाके खत्म हो गया। अब आप बिल लो या न लो, आपका GST पेड ही माल बिकेगा। अब भले बिल लो या नहीं लो, आपका GST पेड ही माल बिकेगा। हर दुकान पे अभी एक ही सिस्टम हो गया। तो जितनी रेवेन्यू GST से क्रिएट, उससे कहीं ज्यादा ड्यूटी से कहीं ज्यादा रेवेन्यू GST से आएगी उनको। कोठारी जी, और जो सवाल मैंने उनसे पूछा था GST का, तो वो कह रहे थे कि एज ऑफ नाउ कुछ भी कॉन्वर्सेशन GST को लेकर नहीं है। तो आप कहेंगे कि वो एक चिंता या कंसर्न अब इंडस्ट्री के समक्ष नहीं? कोई भी नहीं है। अगर वही करना होता, GST अगर उनको बढ़ानी है, तो फिर तो वही हो गया। आप एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता था मार्केट को। अब आज जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, आप देखो हर शोरूम के बाहर देखो, मैं अगर आपको कहूँ तो सिर्फ आफ्टर द बजट ऑलमोस्ट 100 tons ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट हुआ होगा हिंदुस्तान के अंदर। और उसमें क्यू लगी हुई है हर शोरूम के बाहर, हर छोटे से छोटा व्यापारी के यहाँ पे आज की डेट में आफ्टर हॉलमार्किंग HYD और अब जाके जो कस्टम्स ड्यूटी कट किए, तो हर छोटे से छोटा ज्वेलर्स घुस है उसके साथ में और खरीदारी हो रही है। नो डाउट इन्वेंट्री कम, इनके जो बैलेंस शीट में इफेक्ट आया है, बट फिर भी वो लोग हैप्पी है क्योंकि बिजनेस हो रहा है। इसके पहले बिजनेस काफी रुक गया था, एक तरह की काफी सालों से लोग एकदम नर्वस हो गए थे। मेटल लोन में भी उनको लॉस जा रहा था, मार्केट डिस्पैरिटी चलती थी, कभी $50 डिस्काउंट, कभी $40 डिस्काउंट है, बैंक का इम्पोर्ट नहीं था, इम्पोर्ट भी फिर LDC है, फिर FTA है, लोग फिर मिसयूज करते थे पॉलिसीज का, उसके साथ में छेड़खानी करते थे। वो धीरे धीरे लगभग सब क्लोज हो गया, जीरो पे आ गया है। तो मुझे लगता है अब जाके सही सिग्नल, सही बिजनेस होगा, लोगों को सही चीज होगी, सही भाव होगा पूरे इंडिया में, आपको अब सिर्फ एक ही भाव पे माल मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सी सहूलियत हो गई है जी। कुरारी जी, जैसे आपने कहा कि 2024 का जो IIGS के नंबर्स हैं, जो मैं कल यहाँ से इनसे सुन रही थी कि 1,00,000 करोड़ जैसा यहाँ पर काम हुआ होगा, ऑफकोर्स अगर उतनी वॉल्यूम भी होती है तो वैल्यू अपने आप यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, वो ऑफकोर्स एक यहाँ पर चीज़ है। लेकिन किस तरह के सेल्स आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं अगर पिछले साल के नंबर से कंपेयर करें तो, और क्या सोने का एज ऑफ नाउ कोई प्रीमियम है मार्केट्स में? देखिए, सोना अभी बैंक के थ्रू इंपोर्ट हो रहा है, $3.5-4 प्रीमियम पे माल आ रहा है हर जगह पे। अब जाके सॉर्ट आउट हो गया है क्योंकि एक साथ में जब इतने ऑर्डर्स हो गए तो बैंक कंफ्यूज थे, कभी उन्होंने उतना काम एक साथ में लास्ट 2-3 साल में हुआ नहीं था। फिर वहाँ पे फॉरेन सप्लायर को भी इश्यू आ रहा है, यहाँ लॉजिस्टिक को सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है, एक एक दिन के अंदर 1,000-1,500 DO आ रहे हैं। तो सब जगह पे प्रॉब्लम चल रही है डिलीवरी की, मतलब माल है इन द सेंस कि उनके पास इतना बैकअप नहीं था एक साथ में सडनली इतना इंपोर्ट होने की वजह से।
तो अब धीरे 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 सर, अगर आप फिगर की बात करें तो ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट, मैंने कहा ना जैसे 2015 में इतना बड़ा बिजनेस, इतने बड़े ऑर्डर्स बुक हो गया, अब आप दो दिन के बाद में आपको सब फिगर पता चल जाएगा कि कितना हो, बट जो स्टॉक लेके बैठा है उसका सिर्फ दो दिन के अंदर ही पूरा स्टॉक खत्म हो गया था। मतलब आप सोचो कि कितनी अच्छी खरीदारी वहां पे हो रही थी। कोठारी जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के, तो क्लियरली बहुत बेहतरीन नंबर्स वहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से आते हो, और जैसे कोठारी जी कह रहे हैं कि बाजार काफ़ी खुश है, एक के बाद यहाँ पर अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली है और अच्छा खासा बिजनेस में वो नंबर्स में तब्दील होता हुआ भी नज़र आ रहा है। कुणाल, आप प्राइसेस कैसे देखते हैं, क्योंकि बाजार काफ़ी यू नो यूफोरिया में है यहाँ पर, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों, स्पेशली इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स भी, बिकॉज प्राइसेज अब वहाँ पर जहाँ पर वो लोग नहीं खरीद पाए वहाँ पर फिर से लौटते हुए नज़र आए। जी, वो फ्रंट पे भी आगे जाके अच्छा ही न्यूज़ है, सो सब जगह से अच्छा न्यूज़ है। सो मुझे तेजी लग रही है गोल्ड में, आगे जाके रेट कट यूएस में होने वाला है, सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। आगे 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट कितना भी होगा, पर होगा 100%। नंबर टू, जो हिसाब से हम देख रहे ETF का होल्डिंग, जो मैं तकरीबन 3-4 महीने से कह रहा हूँ, उसमें इजाफा होना स्टार्ट हो गया है। सो along with the central bank buying, the investors are turning back to gold. जैसे अभी हमने देखा था yen carry trade unwind हुआ था, वो time पे gold नीचे आया था, so fundamental gold के मजबूत है, वापस gold आ गया है अपनी जगह पे। So मुझे लग रहा है next 1.5-2 महीने में gold $2600 की ओर जा रहा है, और मैं तेजी में हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई भी dip आती है या current market price पे आप buy करके hold कर सकते हो, so that will be a good strategy, in next 2 months you will be rewarded.